हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पढ़ेंगे वो है हमारे पास प्रूफ दैट कंप्लीट ऑर्डर फील्ड एफ इज एन आर्किमिडियन ऑर्डर फील्ड। इसमें प्रूफ करेंगे कि जो कंप्लीट ऑर्डर फील्ड होती है वो एक आर्किमिडियन फील्ड होती है। तो इसको प्रूफ करते हैं फ्रेंड्स। तो लेट आर बी ए कंप्लीट ऑर्डर फील्ड, हमने सपोज कर लिया कि आर है वो एक कंप्लीट ऑर्डर फील्ड है। फ्रेंड्स, हमने पुरानी वीडियो में हमने आर को एक कंप्लीट ऑर्डर फील्ड प्रूफ भी किया था। एंड इट हैव टू एलिमेंट एक्स एंड वाई सच दैट वाई ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन जीरो, जो कि हमारे पास ये हमारे पास आर्किमिडियन की प्रॉपर्टी है वाई ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन जीरो। नाउ वी वांट टू शो दैट फॉर सम एन बिलोंग्स टू एन एन एक्स ग्रेटर देन वाई, हमें ये प्रूव करना है कि फॉर सम एन बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर्स के लिए एन एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू वाई होगा। इफ वाई लेस देन इक्वल टू जीरो, अगर वाई लेस देन इक्वल टू जीरो है देन थ्योरम इज ऑटोमेटिकली प्रूव। क्यों फ्रेंड्स, ऑटोमेटिकली प्रूफ क्यों हो जाएगी ये फ्रेंड्स? अगर वाई लेस देन इक्वल टू जीरो है तो हमारे पास यहाँ पे वैसे भी ये है हमारे पास कंडीशन, सॉरी यहाँ पे ये कंडीशन नहीं है, यहाँ पे एक्स ग्रेटर देन जीरो ओनली ये कंडीशन होती है हमारे पास। यहाँ पे फ्रेंड्स ये कंडीशन होती है वाई ग्रेटर देन एक्स ग्रेटर देन जीरो। अगर वाई लेस देन इक्वल टू जीरो तो लेस देन तो होगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे होगी अगर इक्वल टू जीरो है तो हमारे पास एक्स की वैल्यू भी जीरो हो जाएगी और थ्योरम जो होगी ऑटोमेटिकली प्रूव हो जाएगी। इफ वाई ग्रेटर ग्रेटर देन जीरो, अगर वाई जो है वो ग्रेटर देन जीरो है तो उस कंडीशन में हम सपोज दैट हमने उल्टा सपोज कर लिया कि एन एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, हमने सपोज कर लिया फॉर ऑल एन बिलोंग्स टू एन, यानी हर एन के लिए हमने प्रूव सपोज कर लिया कि एन एक्स लेस देन इक्वल टू वाई होगा। अब एन एक्स को हम किस तरह से लिख सकते हैं फ्रेंड्स? एन के हर वैल्यू के लिए एक्स टू एक्स थ्री एक्स डॉट डॉट एन एक्स एन प्लस वन एक्स डॉट डॉट। अब हमने एज्यूम क्या क्या है कि एन एक्स लेस देन इक्वल टू वाई, यानी कि वाई की एन एक्स की हर वैल्यू वाई से छोटी है, तो ये वाई से छोटी है तो इसका मतलब है जो एस है हमने ये जो है वो इसका एक अपर बाउंड है वाई, तो वाई अपर बाउंड है तो एस हैज एन अपर बाउंड विच इज वाई। हमने एक यहाँ पे कह दिया हमने कि जो एस का एक अपर बाउंड है वो वाई है, क्योंकि वाई एस की हर वैल्यू वाई से छोटी है। इम्प्लाइज वाई वाई प्लस वन इज आल्सो अपर बाउंड, यानी जो वाई है वो अपर बाउंड है तो उस कंडीशन में जो वाई प्लस वन होगा वो भी अपर बाउंड होगा। ये हमने कह दिया कि वाई प्लस वन जो होगा अपर बाउंड भी होगा। इंटीजर पॉइंट ऑफ वाई प्लस वन, अब हमने वाई प्लस वन का अगर जैसे वाई कुछ पॉइंट में है तो हमने उसका इंटीजर पार्ट लिया है वाई प्लस वन का, तो वाई प्लस वन का हमने इंटीजर पार्ट लिया है तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि वो जो इंटीजर जैसे ये इस तरह से फ्रेंड्स, अगर 1.2 या 2.3 ये अपर बाउंड है तो इस कंडीशन में 2.2 का इंटीजर पार्ट क्या होगा? 2, वो भी अपर बाउंड होगा। इस कंडीशन में 3.3 का अपर इंटीजर पार्ट क्या होगा? 3, वो भी एक अपर बाउंड होगा। तो हमने कहा कि वाई प्लस वन जो होगा वो भी एक अपर बाउंड होगा। अब प्लस वाई फ्रेंड्स, वाई प्लस वन क्या है? हमारे पास एक इंटीजर वैल्यू है, क्योंकि हमने इसकी इंटीजर वैल्यू ली है। इंटीजर पार्ट ऑफ वाई प्लस वन इज आल्सो अपर बाउंड। तो वाई प्लस वन डॉट एक्स अगर हम लिख लें तो जो ये होगा, ये वाई प्लस वन डॉट एक्स जो एक्स ग्रेटर देन जीरो है तो ये इस वैल्यू से ऊपर जाएगा। वाई प्लस वन इसकी हर वैल्यू से ऊपर जाएगा तो उस कंडीशन में हम कहेंगे कि जो ये है जो कि अपर बाउंड नहीं है, कहेंगे वाई इसका एक अपर बाउंड नहीं है। तो उस कंडीशन में हमारे पास कुछ एन ऐसे मिल जाएंगे जिसके लिए एन एक्स ग्रेटर देन वाई होगा, जो कि हमने आगे लिखा भी है फ्रेंड्स। यहाँ आप इसको पढ़ लीजिए, लेट इंटीजर पार्ट इसका वाई डैश है तो वाई डैश को हमने वाई डैश इज आल्सो इन अपर बाउंड बट वाई एक्स बिलोंग्स टू एक्स, क्योंकि वाई जो है नेचुरल नंबर है, इम्प्लाइज वाई इज नॉट एन अपर बाउंड, अ कॉन्ट्रडिक्शन आ गया, सो एन एक्स ग्रेटर देन वाई फॉर सम नेचुरल नंबर्स।